Hey, what's up guys? हम है आपके जुड़वाज सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, एक्चुअली बात ऐसी है कि ये जो रिकॉर्ड लेबल है हमारा, जिस चैनल से हम लोग वायरल ओरिजिनल जो है, तो इसमें से हमारे वीडियोस ब्लॉक हो जाते हैं कभी कभी। एक दो किए भी हम लोगों ने शायद ना, ये रोहित जो है उनका ये गाना किया था हम लोगों ने। बट अभी ये जो गाना है, जियाले मस्किन जो गाना है, ये विशाल मिश्रा ने गाया है। क्या बात है, अभी कमेंट पे जब अगर कमेंट देख रहा था, विशाल मिश्रा ने किया होगा ना, बहुत प्यारा होगा फिर तो। तो गाइज, मैं सिर्फ और सिर्फ दो नाम देख के ये गाना कर रहा हूँ। एक है विशाल मिश्रा एंड श्रेया घोषाल, तो छोड़ो वो तो उनका वो छोड़ी दो, ठीक है। तो मैंने ये सिर्फ दो नाम देख के किया है क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर जियाले मुस्किन लिखा है तो ऐसा एक पुराना गाना भी है, क्या बकवास गाया हम लोगों ने, हमको पता है। बट ये है तो इसका, अगर इसका शायद रिक्रिएशन होगा बिल्कुल, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा ही हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो हमको थोड़ा सा उत्सुकता थी कि भाई कैसा क्या रिक्रिएशन किया है। तो सीधा गाने पे आते हैं, आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो और ऐसे ही सजेशन देते रहो, बिल्कुल। बाकी यार कैसे हुआ, वाह यार, नाइस यार, नाइस। चलो यार, आते हैं गाने पे। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो और प्लीज नए हो तो चैनल को शेयर कर देना और आपका फेवरेट पार्ट जरूर हमको जरूर बताना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। तो चलो आते हैं गाने पे। ये आर्ट तो बड़ा पुराना है। अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। अगर तुम मर भी गई ना याद मेरे सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई, हाथ मेरे मैं दिल को समझा लूंगा, मैं दिल को समझा लूंगा, तू ख्याल तेरा रखना। ज़िहाल मस्किन मकुंब रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई अरे नाइस यार, है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ज़िहाल मस्किन मकुंब बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। बहुत प्रेडिक्टेबल है, अरे बहुत प्रेडिक्टेबल है यार, वाह लोकेशन है यार, वाह। ओके, तो गाइज मैं एक चीज बता देता हूं कि जो म्यूजिक है हमारा जावेद मशीन साहब ने दिया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, बट बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल बिल्कुल। बीट बहुत ज्यादा मेरे को लगा ही था कि ऐसी आएगी, और आपको पता है यार, इतने सारे गाने हमने रिव्यू किए हमारे चैनल पे, बनाते तो पता ही है। और दूसरी बात की जो ये भी प्रेडिक्टेबल था, मैंने बिना सुने बोल दिया, बिल्कुल। तो अरेंजमेंट और जो रिक्रिएशन वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऑड नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि रिक्रिएशन करो पर उसका ओरिजिनल वाले का फील नहीं जाना चाहिए, तो इसमें फील है, बट बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल म्यूजिक, प्रेडिक्टेबल हरकत है और प्रेडिक्टेबल अरेंजमेंट है। बट एक बात जरूर है, वोकल्स दोनों भी बहुत बहुत परफेक्ट लिए हैं गाने के हिसाब से, समझ रहे हो, तो परफेक्ट वोकल्स लिए है। मुझे लगता है मैं वीडियो पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं आगे बात करते हैं वीडियो के बारे में, ठीक है ना, तो आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट हाँ, म्यूजिक अच्छा है, रिक्रिएशन अच्छा है,
प्रेडिक्टेबल है बट अच्छा है, हाँ हाँ ठीक है ना, सुनने को मतलब अच्छा लग रहा है, बाकी कुछ हमको पसंद नहीं आया तो हम कैसे बोलते थे सीधा, तो इसमें वैसा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने को, सुकून मिल रहा है, ठीक है चलो आगे सुनते सुशांत। टूटे दिल को जोड़े कैसे ये बताते जाओ, जिंदा रहने की बस हमको एक वजह दे जाओ, यार मिलाते जाओ, कोई वादा कर जाओ, अच्छा वो उसने उसको बचाने के लिए किया होगा, दे जाओ समझा, मेरे लिए थोड़ी सी, मेरे लिए थोड़ी सी दिल में तो जगा रखना, खुशी तुम्हारी है जब इसी में तो हम नाइस वीडियो छुपा ही लेंगे, वजह जो पूछेगा ये जमाना कोई बहाना बना ही लेंगे, वाओ नाइस कोरस, तकदीर में तेरा मेरा, तकदीर में तेरा मेरा, ये साथ यहीं तक था, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या तुम्हारा दिल है, सुनाई तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, नाइस नाइस ब्रो नाइस, अरे सॉरी हाँ ओके नाइस, तो अगर गाने के बारे में बोले तो जैसे कि मैंने बोला कि प्रेडिक्टेबल है बट बीच का पार्ट जैसे अभी को एक आलाप के साथ एक ये आया था वो काफी अच्छा लग रहा था, हाँ समझ लो काफी अच्छा लग रहा था वो, क्योंकि और वो पार्ट ना एकदम भरा भरा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, एक फील आया, बिल्कुल समझ लो बहुत ज्यादा जरूरी है ये, अगर आप रिक्रिएशन कर रहे हो उसमें जो हिसाब से लिरिक्स है वो हिसाब से म्यूजिक देखे, एक कोरस आलाप मार के इतना अच्छा उसको एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया म्यूजिक ने, फिर म्यूजिक ने सिचुएशन क्रिएट करने के बाद वीडियो में भी वो क्रिएट किया है, तो वीडियो भी काफी अच्छा बनाया है, काफी अच्छा काम अपने रोहित झिंझूरकर, बिल्कुल बिल्कुल खूप चांगलं काम केलं मित्रा, तुझे एक्सप्रेशन मला आवडते, मला एक दो वो एक गाना था उसमें तो इतनी सही एक्टिंग किया, गाने का नाम नहीं, तो रोहित झिंझूरकर निमृता निमृत ने भी अच्छा काम किया, भी बहुत अच्छा काम किया, बाकी सिंगर जो है वो तो ऑब्वियस वो, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, सिंगर्स का तो छोड़ ही दो, बट कुणाल वर्मा ने लिरिक्स, अच्छा मेरे को एक बात सही लगी, फील टूटने नहीं दिया, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो, फील टूटने नहीं दिया, और जब भी कोई म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बनाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यार हाँ ये गाना ना यही गा सकते हैं, बिल्कुल तो वो हिसाब से परफेक्ट, जैसे अभी मैं एक अभी अभी एक गाना सुना था सचिन जीगर का था शायद, तो उन्होंने हिमेश रेशमिया को लिया एज अ सिंगर, आप समझ हो, तो वो गाने के हिसाब से पता चल जाता है कि यार ये गाना ये वो सिंगर गा सकता है करके, तो ये मेरे को अच्छा लगा कि इन लोगों ने बहुत अच्छे तगड़े सिंगर लिए और वो फील बना के रखा, और वीडियो भी काफी अच्छा लगा, नहीं इनको अच्छी वीडियो रहती है, वीडियो अच्छा लगा, मैं देखना चाहता हूँ डायरेक्टर है कौन यहाँ पे, डायरेक्टर साहब लिखा, परकशन सब कुछ लिखा है, नहीं नहीं रिदम से लेके सब कुछ एकदम ढोलक तबला से लेके बहुत बहुत गिटार्स वगैरह का मस्त आ रहा था, ध्रुवल पटेल एंड जिगर मुलानी बहुत अच्छा ये किया है भाई, डीओपी ध्रुवल पटेल भाई है,
और इसका जो कलरिस्ट है अपने प्रशांत ये तो इनको तो देखा हूं मैंने बहुत इसमें नाम, तो एडिटर पंकज शर्मा, इन्होंने भी दोनों ने भी बहुत अच्छा काम किया। पर कलर में ना बहुत ज्यादा वो किया है, मतलब जैसे वो हल्दी वाला था लाइट गाफर वाला, तो जैसे कि वो अपना हल्दी का चल रहा था ना, तो साइड वाले है ना दूसरे कलर में थे, इसको ही खाली कलर किया था ना। तो ये अच्छा, सब अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, फोकस अच्छा किया है कलर पे, ठीक है, सही है सही है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया यार। हमारा वन टेक रिव्यू जो हमको लगा, हम लोगों ने बोला अगर पर कुछ गलती हो गई माफ कर देना, कुछ छूट गया होगा तो भी माफ कर देना, बाकी आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट। Na 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 na